सुभाष ने दिया इतिहास हमें, सुभाष ने दिया इतिहास हमें, वे नेताजी कहलाते हैं। देश की आजादी के साथी उनको शीश झुकाते हैं। सुभाष ने दिया इतिहास हमें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। एक और नारा था उनका, उन्होंने दिल्ली बहुत टूट थी उस समय, और उन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली दिल्ली चलो। पराक्रम दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य है कि हमारी पीढ़ी विशेषकर युवाओं को देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए। आज नेताजी के बारे में जीवन परिचय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप इससे कुछ ना कुछ नहीं सीखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी को उड़ीसा कटक में हुआ था, और वह एक अच्छे संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिताजी पेशेवर वकील थे और माँ प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। अगर तुम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो और इन अंग्रेजों से अपने भाई बंधुओं को आजाद कराना चाहते हो, तो एक कार्य करो, सबसे ऊंची पोस्ट ICS की परीक्षा। ICS आप जानते हैं आज की UPSC IAS के एग्जाम कंडक्ट कराती है। आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे, टीना दादी का देखा होगा, सृष्टि देशमुख का देखा होगा, और उस समय सोचिए जब हम गुलाम हैं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, उस समय दृढ़ संकल्प के साथ पिताजी और भैया के कहने पर वो ICS की परीक्षा लेने का मन बनाते हैं, और पहले वो पढ़ाई करने इंग्लैंड जाते हैं। इसकी वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, और मानिए 4 साल की पढ़ाई को महज 7 महीनों में पूरा करते हैं। 7 महीनों में न केवल उन्होंने पूरा किया बल्कि 4th रैंक हासिल किया। मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं ऋषा पांडे तो चतुर्थ का छात्र आज आपके समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है 2 वक्त की रोटी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के सबसे महान व्यक्ति और सबसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म एक प्रसिद्ध परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान में हुआ था। बचपन में उनके घर के आगे एक बूढ़ी भिखारन रहती थी। वह सुबह शाम बरसात तूफान और कड़ी धूप में भी भीख मांगकर गुजारा करती थी। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा, जब कोई अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए इतना दुख झेल सकता है, तो मैं अपना सुखी जीवन कैसे जी सकता हूँ। उनके घर से उनका कॉलेज 3 किलोमीटर दूर था। उनको जो पैसे बस से कॉलेज जाने के लिए मिलते थे, वो पैसे उस बूढ़ी भिखारिन को दे दिया करते थे और खुद पैदल कॉलेज जाते थे। उनका यही व्यक्तित्व आगे चलकर उन्हें आजाद हिंद फौज के नायक बनाने में कामयाब रहा। उनके कुछ कथन आपके सामने प्रस्तुत हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आजादी की कीमत अपने खून से चुकाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आजादी की कीमत अपने खून से चुकाएंगे। जो सैनिक अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं, वो जो हमेशा अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, वह अजय है। जो सैनिक अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं, जो हमेशा अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, वह अजय है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना।